हेलो टू यू ऑल, होप यू आर डूइंग वेल। एंड आ गई हूँ एक रिव्यू वीडियो के साथ। एंड थैंक यू सो मच पिछले सारे वीडियोस पे इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। बस ऐसे ही आप वीडियो पे अपना प्यार दिखाते रहे, मैं नए नए वीडियो देखकर आती रहूँगी। ये एक रिव्यू वीडियो होने वाला है। ये अमेजोन का प्रोडक्ट है और इसको लेकर मुझे 2-3 महीने हो गए हैं। ये प्रोडक्ट मैंने मेरे यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, मोस्टली मैं वीडियो ही बनाती हूँ यूट्यूब के लिए ही, ज़्यादातर मैं इंस्टा पे हूँ नहीं एक्टिव, थोड़ी बहुत अभी मैं वहाँ पे भी वीडियो बनाने लगी हूँ। तो अगर आपको मेरा इंस्टा आईडी चाहिए तो मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ पे भी थोड़े बहुत वीडियोस डालती हूँ। तो ये मैं उसको वीडियोस के लिए लाइट और विथ स्टैंड ऑर्डर किया है। मेरे पास काफ़ी सारे स्टैंड हैं, मतलब मैं यूज़ किया है मैंने इससे पहले 2-3, बट सक्सेसफुल नहीं था, वो सारे फ्लॉप चले गए। कुछ मैं कोई कैमरा होल्डर टूट गया, कोई स्टैंड टूट गया। ज़रूर मैं उसका भी एक वीडियो लेकर आऊँगी कि कौन सा स्टैंड बेटर परफॉर्म करता है वीडियो बनाने के लिए, किसके साथ क्या साइड इफ़ेक्ट है, तो उसका भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी। चलिए अभी फ़िलहाल इस वीडियो में जो अनबॉक्सिंग है वो देख लेते हैं। तो इसमें निकला है ये एक आर्म स्टैंड। ये फ्लेक्सिबल है, आप इसको कैसे भी फोल्ड कर सकते हो, हाफ फोल्ड, मतलब कैसे भी तुड़ मुड़ जाती है। सो इसकी एक अच्छी बात ये है कि किसी भी जगह पे कैसे भी किसी कोने में आप वीडियो बना रहे हो तो एडजस्टेबल है, फ्लेक्सिबल है, तो इजी है। साथ में ये देखिए कि ये कैमरा जो है कैमरा के लिए है, मतलब इसको अभी हम इंस्टॉल करेंगे, मैं इंस्टॉलिंग भी साथ में आपको दूँगी कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। मैंने इसमें 3D वाला लिया है, नॉन 3D वाला भी था। तो इसमें जो मैं अभी आपको शोकेस कर रही हूँ, ये 3D वाला 10 इंच का 8 RGB LED लाइट है। उसमें डिफरेंट कलर हैं, मतलब नॉट ओनली 3 कलर, इसमें आई थिंक 24 या समथिंग 32 ऐसे कुछ कलर हैं। सो इसका भी मैं आपको आगे डेमो बता दूँगी। तो ये देखिए इसके लाइट्स ऐसे हैं कुछ, मतलब डिफरेंट शेड मिक्स भी हैं और सिंगल कलर भी है, येलो, पिंक, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, एवरी कलर। और ये मेरा बेटा नीचे ट्राई कर रहा है अपने टॉयज़ को रख के कि वो कैसा दिखता है। तो ये हो गई लाइट की बात। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो स्टैंड है उसको कैसे सेट करना है। एक स्टिक जैसी आती है, उसको बस इसको लाइट के नीचे आप ऐसे फिक्स कर लो, और उसमें एक वो दिया हुआ है, स्क्रू दिया हुआ है, जिससे आप उसको कहीं भी अटैच कर सकते हो। मतलब अगर आपको आर्म स्टैंड में इस लाइट को अटैच करके यूज़ करना है तो आप वहाँ कर सकते हो, या फिर अगर सिर्फ लाइट यूज़ करना है, रिंग लाइट, तो आप उस स्टिक को ऐसे जो स्टिक देख रहे हो आप हाथ में रखा हुआ है अभी हमने, जिसको हमने स्क्रू घुमा के सेट किया, उसको भी आप सिर्फ अकेले अलोन भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरत नहीं अटैच करने की, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो उसको। मैं मोस्टली फ़ोटोग्राफ्स के लिए यूज़ करती हूँ सिर्फ लाइट को, ऑल द टाइम मैं स्टैंड अटैच नहीं करती। स्टैंड में तभी अटैच करती हूँ जब मुझे ऐसा कुछ अबव द टॉप, कुछ टॉप से रिकॉर्ड करना होता है या टेबल पे कुछ चीज़ें रख के अगर रिकॉर्ड करनी होती है तो। और ये कैमरा का ब्रॉकेट है तो उसमें हम अभी सेट कर रहे हैं, आप देख सकते हो इसको कैसे सेट करें, इसलिए मैं वीडियो इसका स्लो पेस में अटैच कर रही हूँ, बाकी सब मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, ये स्लो में रख रही हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे इंस्टॉल किया है। और वो आप देखकर, अगर आप कुछ ख़रीद रहे हो ऐसा या आपको ऐसा कुछ लेना है तो आप इसको देखकर इंस्टॉल कर सकते हो। और ये यूज़फुल है, मैं 2-3 महीने से यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो रिकॉर्डिंग के लिए, आप फूड ब्लॉगिंग करते हो या फिर ऐसे कुछ टेबल पे रख के कुछ आर्ट का, डिज़ाइन का कुछ ऐसा रिकॉर्ड करते हो, तो प्रोडक्ट रिव्यू के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं इसको 3 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, अच्छा वर्क कर रहा है। सिर्फ इसका जो कैमरा का फोल्डर था ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच हो गया जिससे स्क्रू दिख रहा है, बाकी इसमें लाइट वाइट सब बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही मुझे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसकी प्राइस और इसकी डिटेल मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, और अगर लिंक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे मांग सकते हो। एंड मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें, कुछ फीडबैक है तो कॉमेंट करिए। इसकी कॉस्ट मुझे 1642 रुपीज़ पड़ी थी, अभी पता नहीं क्या है बिकॉज प्राइस तो चेंज होती रहती है और कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। और ये ब्रोलाविया ब्रांड का स्पेलिंग जो है मैं लिख दूंगी। और मोस्टली आप इसको यूज़ है ना रेसिपी रिकॉर्ड करने के लिए, या मेहंदी आर्टिस्ट हो आप, ऐसी सब चीज़ों के लिए बेस्ट है ये।